हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 11 का जो फाइन आर्ट का बुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का थर्ड लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को पढ़ना है एलिफेंटा कैप से आगे के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है कि एलिफेंटा कैप्स एंड अदर साइड, तो एलिफेंटा कैप्स लोकेटेड नियर मुंबई आर डोमिनेटेड बाई द सेवाइड फिट। तो एलिफेंटा कैप है मुंबई के पास, ठीक है। ये सेवाइड फिट से डोमिनेटेड मतलब कि यहाँ पे सेवाइड फिट के मूर्ति ज़्यादा मिलते हैं, सेव मूर्ति ज़्यादा मिलते हैं। इट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी विद द एलोरा, तो कहा जा रहा है कि एलोरा के कॉन्टेम्प्रेरी, एलोरा मतलब कि एलोरा जिसमें बना था उसी समय इसमें बना, ये भी बना है। एंड इट स्कल्पचर शो स्लेंडरनेस इन द बॉडी विथ स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो भी स्कल्पचर, इसमें जो भी मूर्ति है वो उसमें डार्क इफेक्ट दिखता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे एंट्रेंस टू एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव का एंट्रेंस है कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स कंट्रीब्यूटेड इन डेक्कन एंड दे फाउंड नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो इन कर्नाटका। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो रॉक कट केव का ट्रेडिशन है ये डेक्कन में कंटिन्यू है, मतलब कि डेक्कन कहने का मतलब है कि उस पूरे एरिया में कंटिन्यूड है, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटका में मिलता है, खास करके बदामी में, ऐहोली में। एग्जीक्यूटेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चालुक्य, जो चालुक्य के पेट्रोनेज में थे, बदामी और ऐहोली के जो थे। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, विजयवाड़ा में, एंड द तमिलनाडु मेनली महाबलीपुरम, तमिलनाडु मेनली महाबलीपुरम में, ठीक है। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पल्लव, तो वहाँ पे पल्लव के द्वारा उसको पेट्रोन मिलता था, मतलब कि पेट्रोनेज कहने का मतलब कि उसको संरक्षण मिलता था उन राजाओं के द्वारा। द पोस्ट सिक्स सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री इन द कंट्री डिपेंडेंट मोर ऑन पॉलिटिकल पेट्रोनेज देन ऑन द कलेक्टिव पब्लिक पेट्रोनेज ऑन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की बात किया जाए तो वहाँ पे पब्लिक का पेट्रोनेज मिलता था। पब्लिक पेट्रोनेज का मतलब कि लोग अपने, मतलब उनको किसी राजा का कोई मतलब कि सपोर्ट नहीं रहता था, अपने खुद पेंटिंग करते थे जितना भी उनसे हो पाता था, खुद वहाँ पे स्कल्पचर बनाते थे। लेकिन बाद में ये सब प्रोसेस हो गया, राजाओं के द्वारा किए जाने लगा, या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके उसके संरक्षण में, उनके देख रेख में होने लगा, यानी फाइनेंस वे लोग करने लगे। मेंशन मैनी आल्सो भी मेन ऑफ मेंशन में भी आल्सो भी मेड ऑफ टेराकोटा फिग्रीन देयर फाउंड एट मैनी प्लेसेज ऑल ओवर द कंट्री। दिस इज अ पैरेलल ट्रेडिशन विथ रिलीजियस विथ स्कल्पचर एज वेल एज इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेडिशन। तो कहा जा रहा है कि जैसे टेराकोटा का जो भी मूर्ति बनाया जाता है, जो कंट्री का लगभग बहुत हिस्से से पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक पैरेलल ट्रेडिशन शो करते हैं कि रिलीजियस स्कल्पचर तो बनता ही था। रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर मतलब कि रिलीजियस लिथिक यानी कि पत्थर का, ठीक है, तो रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर तो बनता ही था, बल्कि लोकल ट्रेडिशन भी इंडिपेंडेंट था, मतलब कि नॉन रिलीजियस भी, जो सेक्युलर नेचर का बोल सकते हैं, जिसका या कोई रिलीजन से कोई लेना नहीं है, उस तरह का भी मूर्ति बनाया जाता था। मैनी टेराकोटा फिगर्स ऑफ वेरियस साइज आर फाउंड विच शो देयर पॉपुलरिटी दैट वाइज रिलीजियस फिगरिंग्स एज वेल एज फिगरिंग मेड ऑफ हीलिंग पर्पसेज एज पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। आगे पढ़ते तो केप ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया, तब ईस्टर्न इंडिया की बात किया, तो यहाँ पे केप ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइक इन द वेस्टर्न इंडिया बुद्धिस्ट केव ऑल्सो हैव बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। तो जिस तरह से वेस्टर्न इंडिया में अभी लोग जो भी हम लोग मेनली पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, कर्नाटका के बारे में पढ़े, तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ईस्टर्न इंडिया में भी कई केव मिले हैं, खास करके आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में। वन ऑफ द मेन साइट इन आंध्र प्रदेश इज गुंटापल्ली इन एलोरू डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश में गुंटापल्ली है एलोरू डिस्ट्रिक्ट में, वो एक इंपॉर्टेंट साइट है इस चीज़ का। द केव सेज इन एक्सवेटेड इन द मिल्स हिल्स एलोंग विद द स्ट्रक्चर मोनास्ट्रीज। तो कहा जा रहा है कि केव जो है हिल्स के अंदर एक्सकेवेट किए गए हैं और उनमें मोनास्ट्रीज भी था अंदर में। Perhaps it is among the very unique site where the structure stoop, vihars and caves are exhibited at one place. तो कहा जा रहा है कि वो भी एक काफ़ी प्लांड वे में बनाया गया है ना, एक यूनिक साइट है जहाँ पे स्तूप, विहार और केव तीनों एक जगह मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उदयगिरी खंडगिरी केव भुवनेश्वर में, तो याद रखिए उदयगिरी केव कहाँ है, दिखाते पूछा जाता है उदयगिरी केव कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। इस तरीके से देख सकते हैं केव है, दो मंजिला केव है, टू स्टोरी है। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बरांदा उदयगिरी, तो इस तरीके का उदयगिरी का जो केव है उसका बरांदा, आप यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन देख रहे थे ना बरांदा वाला, उसका यहाँ पे डिटेल इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं दीवार पे कितना सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनाया गया इस तरीके से, है ना, ऐसे। द गुंटापल्ली चैत्य केव इन द सर्कुलर विथ स्तूप इन द सर्कुलर हॉल एंड चैत्य आर कार्व्ड एट द एंट्रेंस। तो कहा जा रहा है कि गुंटापल्ली का जो चैत्य है, ठीक है, सर्कुलर है जिसमें एक स्तूप है, विथ स्तूप इन सर्कुलर हॉल, उस सर्कुलर हॉल में एक स्तूप भी है और चैत्य आर्क ऐसे कार्व किया गया है ना एंट्रेंस पे, ऐसे कार्व बनाया गया है। द केव इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो वेस्टर्न इंडिया के केव थे उसके मुकाबले केव जो छोटे थोड़े स्मॉल होते हैं। अ नंबर ऑफ विहार केव्स हैज बीन एक्सकेवेटेड, द मेन विहार केव डिस्पाइट द स्मॉल डायमेंशन हैव बीन डेकोरेटेड विद चैत्य आर्क ऑन द एक्सटीरियर। दे आर रेक्टेंगुलर विद वॉल्टेड रूफ एंड कार्व सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी। कहा जा रहा है कि इसमें ये जो क्या होते हैं, तो सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा सेंट्रल हॉल भी होता है। दिस एक्सकेवेशन डेट बैक टू सेकेंड सेंचुरी बीसी। इसका जो एक्सकेवेशन है उससे पता चलता है कि सेकेंड सेंचुरी बीसी के ऐसे बने हुए हैं।
देर आर सम एक्सक्लेमेशन विच वर एडेड इन द सबसिक्वेंट सेंचुरी बट नॉट बट ऑल आर ऑफ द बिहार टाइप. तो कहा जा रहा है कि और भी ऐसे कई एक्सक्लेमेशन है जिससे पता चलता है कि बाद के सेंचुरी में भी बनाए गए, लेकिन बाद वाले जो भी बने सब बिहार हैं. अपार्ट फ्रॉम गुंडापल्ली द अदर साइड कैप साइट इज रामपेरमपलम विच इज वेरी मॉडरेट स्मॉल एक्सकेवेशन बट देर इज अ रॉक कट स्तूप ऑन द हिल टॉक. तो कहा जा रहा है गुंडापल्ली के अलावा देखा जाए तो और भी साइट है, जैसे रामपेरमपलम जो एक है वहाँ पे छोटा एक्सकेवेशन है, मॉडरेट से छोटा मतलब कि वेरी मॉडरेट स्मॉल एक्सकेवेशन है वहाँ पे, ठीक है. द नेक्स्ट है कि अनकापल्ली नियर विशाखापट्टनम केव्स वर एक्सकेवेटेड एंड ह्यूज रॉक कट स्तूप वाज कार्व्ड आउट ऑफ द हिलॉक ड्यूरिंग द 4th-5th century. तो उसी तरह से अनकापल्ली एक विशाखापट्टनम के पास केव है, वहाँ से 4th-5th century में भी हिल पे रॉक कट स्तूप मिला है. इट इज़ ए यूनिक साइट है द बिगेस्ट रॉक कट स्तूप इन द कंट्री. तो यहाँ पे यदि रॉक कट स्तूप की बात किया जाए, अभी तक जो हो रहा था रॉक कट केव हो रहा था, रॉक कट मोनेस्ट्रीज हो रहा था, ये रॉक कट स्तूप है, ठीक है, ये वाला स्तूप, ठीक है. तो ये जो है कंट्री का सबसे बड़ा रॉक कट मतलब कि रॉक कट स्तूप है, सबसे बिगेस्ट रॉक कट स्तूप है, ठीक है, यूनिक साइट इसीलिए है. मैंने कहाँ तो याद रखिएगा अनकापल्ली, ठीक है. तो अनकापल्ली जो है कंट्री में बिगेस्ट रॉक कट स्तूप है. मैनी वोलेटाइल रॉक कट स्तूप ऑल्सो अराउंड द हिलॉक हैज बीन एक्सकेवेटेड. तो कहा जा रहा है कि इसी के आसपास और भी रॉक कट स्तूप आपको मिलते हैं. द रॉक कट ट्रेडिशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन उड़ीसा. तो कहा जा रहा है कि इस तरह का रॉक कट ट्रेडिशन जो उड़ीसा में भी एग्जिस्ट करता था. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ उदयगिरी खंडगिरी केव, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो सबसे पहले वाला जो एग्जाम्पल है उदयगिरी खंडगिरी केव के बारे में जो भुवनेश्वर के पास है. दिस केव्स आर स्कैटर्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल जैन किंग्स. कहा जा रहा है कि इस केव के बारे में ये भी बताया, खारवेल जैन किंग के इंस्क्रिप्शन में भी बताया गया. According to the inscription, the caves were meant for Jain monks. There are numerous single excavations. Some have been carved in the huge independent boulders and given the shape of animal. तो कहा जा रहा है कि ऐसे कई तरह के excavation हुए हैं, कहीं कहीं एनिमल का भी मतलब जानवर का भी मूर्ति मिला है. The big caves include a cave with a pillared veranda and sail at the back. तो कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े cave होते थे उसमें एक वरांदा भी होता था जो पिलर के सहारे सपोर्टेड किया रहता था. The upper part of the sail is decorated with series of चैत्य आर्क एंड नैरेटिव दैट स्टिल कंटिन्यूड फोल्क फोर्स ऑफ द रीजन. तो कहा जा रहा है कि उसका अपर पार्ट में बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए हैं और उसमें मेनली ऐसे कहानी दिखाए जाते हैं जो आज भी रीजन में मतलब कि वहाँ के फोक के फॉर्म में मतलब वहाँ के लोकल कहानी के रूप में सुनाए जाते हैं. द फिगर इन दिस केव सर वॉल्यूमिनस मूव फ्रीली इन द पिक्चर स्पेस एंड आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव कार्विंग. तो इसे इस यहाँ पे जो फिगर कार्विंग किया गया है काफ़ी अच्छे एक्सलेंट एग्जाम्पल है उसके. सम केव्स इन दिस कॉम्प्लेक्स वेर एक्सकेवेटेड लेटर सम टाइम इन द 8th-19th century. तो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ के बाद में भी बनाए गए, कुछ 8th-9th शताब्दी के बनाए गए हैं, ठीक है. तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ. हम लोग आगे देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिगर यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले जो है सांची के स्तूप का ये पिक्चर है, ये जो पिक्चर है सांची के स्तूप का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे जो है तो सांची स्तूप के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, जैसे सांची स्तूप का जो इमेज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ये बुक में ही उल्टा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हमको भी हो रहा है पढ़ने में. तो कह जा रहा है कि सांची अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो सांची सबसे पहले याद रखिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भोपाल के पास है मतलब कि मध्य प्रदेश में. अलॉन्ग विथ अदर रिलेटिवली स्मॉल स्तूप देर आर 3 main stoops एट सांची. तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 main stoops हैं, उसके अलावा और भी कई स्तूप यहाँ पे हैं छोटे छोटे, ठीक है. 3 main stoops एट सांची. स्तूप वन इज प्रेजेंटेड परज्यूम टू हैव द रिलिक्स ऑफ बुद्ध. तो कहा जा रहा है कि स्तूप वन में ऐसा माना गया है कि इसमें भगवान बुद्ध के रिलिक्स पाए जाते हैं. स्तूप वन में ऐसा माना गया कि भगवान बुद्ध के रिलिक्स पाए जाते हैं. स्तूप टू द रिलिक्स ऑफ 10 less famous अर्हट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जनरेशन. तो कहा जा रहा है कि स्तूप टू के बारे में बात किया जा रहा है कि स्तूप टू में रिलिक्स ऑफ 10 less famous अर्हट्स बिलोंगिंग टू 3 different generations. देयर नेम आर फाउंड ऑन द रिलिक कास्केट. स्तूप 3 इज रिलिक्स ऑफ सरीपुत एंड महामोगलयान, ठीक है. तो कहा जा रहा है कि जैसे स्तूप वन में ही भगवान बुद्ध का वहाँ पे जो उनका बच्चा खोचा था उनको मतलब कि स्तूप वन में उसको रखा गया है. स्तूप टू की बात किया जाए तो वहाँ पे 10 less famous अर्हत है. अर्हत करने का मतलब कि उससे बिलोंग करने वाले डिफरेंट जो भगवान बुद्ध के डिफरेंट शिष्य थे जो मतलब बड़े लोग हैं बौद्ध धर्म में,
उनका रिलिक्स है। उसी तरह से स्तूप थ्री में यहाँ पे दो नाम दिया गया, सरीपुत्र महामोगलयान का मूर्ति रखा गया है वहाँ पे, उनका रिलिक्स रखा गया है, उनका अवशेष रखा गया है। स्तूप वन नोन फॉर कार्विंग ऑन इट गेटवे इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर। तो स्तूप वन के ऊपर जो कार्विंग किया गया उसके गेटवे पे है ना, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर का। ओरिजिनली द स्तूप वाज अ स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर विद एक्सपेंडेड ओवर पीरियड कवर्ड विद स्टोन। तो कहा जा रहा है कि पहले जो स्तूप था छोटा सा ब्रिक का स्ट्रक्चर था जिसको डिफरेंट राजाओं के द्वारा फैलाया गया है ना, वेदिका एंड तोरण बाद में लगाया गया। द अशोकन लायन कैपिटल पिलर विथ एन इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन द साउदर्न साइट ऑफ स्तूप। स्तूप के साउदर्न साइट पे, स्तूप का जो साउदर्न साइट है ठीक है, वहाँ पे अशोकन कैपिटल पिलर पाया जाता है जिसमें इंस्क्रिप्शन भी मिला मतलब कि रखा गया है जो स्तूप के सदर्न साइट में है। इंडिकेटिंग हाउ सांची बिकम अ सेंटर ऑफ मोनेस्टिक एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, इसमें बताया कि इस तरह सांची जो था मोनेस्टी और आर्टिस्टिक एक्टिविटी का सेंटर बना। द साउथ गेटवे वाज मेड फर्स्ट अलाउड बाय द अदर्स, सॉरी द साउथ गेटवे वाज मेड फर्स्ट फॉलोड बाय द अदर्स। द प्रदक्षिणा पथ अराउंड द स्तूप इज कवर्ड विद द वेदिका, तो जो कहा जा रहा है प्रदक्षिणा पथ है वो वेदिका के द्वारा कवर किया गया। देर इज ऑल्सो द अपर प्रदक्षिणा पथ, अपर प्रदक्षिणा पथ भी है विच इज यूनिक टू दिस साइड, तो जो इस साइड के लिए यूनिक है। द फोर गेटवे आर डेकोरेटेड प्रोफाउजली विद अ स्कल्पचर बुद्ध इज शोन सिम्बोलिकली एज एन एम्प्टी थ्रोन फील्ड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे चार गेट यहाँ पे लगाए गए हैं ना, चार गेटवे हैं जिनको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, भगवान बुद्ध को यहाँ पे शो किया है सिंबल के सहायता से। एक एम्प्टी थ्रोन फीट वहाँ पे दिखाया गया है ठीक है, उसी के सहारे भगवान बुद्ध को वहाँ पे शो किया जाता है। छत्र स्तूप आगे है कि एम्प्टी थ्रोन के थ्रू मतलब कि दिखाया गया है भगवान बुद्ध को, उसके अलावा फीट छत्र स्तूप ये सब बनाए गए। तोरण सर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल फोर डायरेक्शन, जो तोरण यानी गेट है चारों डायरेक्शन बनाए गए हैं। देर आर स्टाइलिस्टिक डिफरेंस इंडिकेट देर पॉसिबल क्रोनोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बी सी ऑनवर्ड। तो कहा जा रहा है कि उनका जो स्टाइलिस्टिक डिफरेंस है ठीक है, इससे पता चलता है कि उनका जो बना हुआ मतलब कब के बने होंगे, तो फर्स्ट सेंचुरी बी सी के आसपास के बने होंगे ऐसा इनको देखने के बाद पता चलता है। दो स्तूप पोनी द ओल्डेस्ट स्तूप द कार्विंग ऑफ इमेज ऑन द वेदिका ऑफ स्तूप टू आर अर्लियर देन दो जन द स्तूप वन। तो कहा जा रहा है कि ऐसे देखा जाए तो स्तूप वन तो सबसे पुराना है मतलब एज में, लेकिन जो कार्विंग का एज देखा जाए तो स्तूप टू का जो कार्विंग है स्तूप वन के कार्विंग से ज़्यादा पुराना है। जातक ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नैरेटिव इन स्तूप, स्तूप में जो दिखाया गया उसमें जातक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। द फिगर्स एट सांची डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल इन डायमेंशन सो कंसिडरेबल मास्टरी ऑफ स्कल्पचिंग। तो कहा जा रहा है कि जो फिगर यहाँ सांची में है ये छोटे में होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखाता है किस तरीके का स्कल्पचर उस समय फेमस था है ना, मतलब कितना मास्टरी था, कितना आर्टिस्ट लोग एक्सपीरियंस वाले थे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि देयर गार्जियन इमेज ऑन पिलर एंड द तो कहा जा रहा है देयर गार्जियन इमेज ऑन पिलर मतलब कि यहाँ पे जो भी इमेज है पिलर के लिए गार्जियन इमेज है, मतलब कि पिलर पे यही सब इमेज रहते थे वहाँ पे, कहने का मतलब ये है। एंड साल भंजिक, साल भंजिक का मतलब होता है कि लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। साल भंजिक स्कल्पचर आर रिमार्केबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉल्यूम। द रिजिडिटी ऑफ अर्लियर स्कल्पचर ऑफ स्तूप टू इज नो मोर देयर। तो कहा जा रहा है कि जो स्तूप टू का जो रिजिडिटी था अब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस तोरण कंसिस्ट ऑफ टू वर्टिकल पिलर एंड थ्री हॉरिजॉन्टल पिलर, हर एक तोरण पर दो वर्टिकल पिलर था और तीन हॉरिजॉन्टल पिलर था ठीक है। ईच हॉरिजॉन्टल बार इज क्रिएटेड डिफरेंट स्कल्पचर थीम, तो और हर एक हॉरिजॉन्टल बार पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल थीम बनाया गया, स्कल्पचरल थीम बनाया गया है ठीक है, जो फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ है, आगे और पीछे दोनों तरफ है। सपोर्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम बिलो द इमेज ऑफ साल भंजी। कहा जा रहा है कि उसी तरह इसको सपोर्ट करने के लिए है ना, सपोर्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम बिलो आर इमेजेज ऑफ साल भंजिक, तो लोअर जहाँ पे इमेज बनता है यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इमेज दिखाया गया कि दो यहाँ पे पिलर है हॉरिजॉन्टल है ना, यदि इस इमेज को सीधा करके देखा जाए तो दोनों हॉरिजॉन्टल दो हो गया, तीन वर्टिकल वाला ऐसे हो गया ठीक है। वहीं बताया गया था कि थ्री हॉरिजॉन्टल सॉरी दो वर्टिकल पिलर है थ्री हॉरिजॉन्टल, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप का इमेज बनाया गया है ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया था। कहीं कहीं ऐसा भी इमेज है इस तरीके का, तीन गेट इधर से दो ही गेट है ऐसे भी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सीटेड बुद्ध कटरा माउंट मथुरा, तो मथुरा से ऐसे ये मूर्ति मिला, इसके बारे में ऊपर भी हम लोग ये मूर्ति देखे थे है ना, बैठे हुए बुद्ध भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला हुआ बैठे हुए पोजीशन में, और मथुरा से मिला है, मथुरा में कटरा माउंट एक जगह होगा वहाँ से मिला है। तो मथुरा वाज ग्रेट सेंटर फॉर मेकिंग ए स्कल्पचर ड्यूरिंग द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड एंड मैनी इमेज इन फाउंड देयर। तो कहा जाए कि मथुरा ग्रेट सेंटर था स्कल्पचर बनाने का अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, और कई इमेज वहाँ से मिले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इमेज डेटिंग बैक टू कुषाण पीरियड फ्रॉम मथुरा, तो कुषाण पीरियड के बहुत सारे इमेज आपको मथुरा से मिलते हैं। अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्कल्पचरिंग प्रैक्टिस इन मथुरा मेक्स द इमेज फाउंड हियर डिफरेंट फ्रॉम दोज़ सेंचुरीज इन द कंट्री। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे
इमेज बनाने के कुछ डिस्टिंक्ट मेथड है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्कल्पचिंग प्रैक्टिस्ड एट मथुरा मेक्स द इमेज फाउंड हेयर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सेंटर इन द कंट्री। आगे बढ़ते हैं, द इमेज ऑफ बुद्ध फ्रॉम द कटरा माउंट बिलोंग टू द सेकेंड सेंचुरी सी। तो जो कटरा माउंट में मूर्ति मिला है सेकेंड सेंचुरी सी, मतलब कि सेकेंड सेंचुरी एडी के मिलते हैं, मतलब कि ईसा पूर्वी के, दो ईसा के मिलते हैं, ईसा पूर्वी के नहीं। इट रिप्रेजेंट द बुद्ध विद टू बोधिसत्व अटेंडेंट द बुद्ध इज सीटेड इन पद्मासन। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध जो पद्मासन में बैठे हैं उसके अलावा भी दो बुद्ध, भगवान बुद्ध के दो अटेंडेंट भी बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस आसन को पद्मासन बोला जाता है ना, फीट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए और हाथ इस तरीके से, इसको पद्मासन बोला जाता है। क्रॉस फोल्डेड लेग्स एंड द राइट हैंड इज इन द अभय मुद्रा। तो ठीक है, और राइट हैंड अभय मुद्रा में है और पैर जो है क्रॉस फोल्डेड में है, तो उसको पद्मासन बोला जाता है। रेज्ड अ लिटिल अबव द शोल्डर लेवल वेयर द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट थाई। तो कहा जा रहा है कि जो राइट हैंड है अभय मुद्रा में है, जो शोल्डर लेवल के हल्का ऊपर उठा हुआ है ना, शोल्डर लेवल के यहाँ जैसे उनके कंधा के लेवल से हल्का उठा हुआ, आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे है ना, कंधा का लेवल उनका यहाँ वहाँ से हल्का उठा हुआ है, और उनका जो लेफ्ट हैंड है लेफ्ट थाई पे रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो द उसानीस, ठीक है, द उसानीस यानी कि हेयर नॉट, उसानीस का मतलब है हेयर नॉट इज शोन इन वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो हेयर नॉट है, बाल जो है वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन में मतलब कि दिखाया गया, ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा स्कल्पचर फ्रॉम दिस पीरियड आर मेड विथ लाइट वॉल्यूम हैविंग फ्लेसी बॉडी। मथुरा स्कल्पचर जो इस पीरियड के होते हैं, ठीक है, ये लाइट वॉल्यूम के होते हैं जिसमें फ्लेसी बॉडी दिखाया जाता है। द शोल्डर्स आर ब्रॉड, यहाँ पे जो शोल्डर दिखाए जाते हैं ब्रॉड दिखाए, चौड़े दिखाए जाते हैं। द संगति यानी गारमेंट कवर ओनली वन शोल्डर, जो गारमेंट होता है सिर्फ एक शोल्डर को कवर करता है। हेयर मेड प्रोमिनेंटली विजिबल कवरिंग द लेफ्ट हैंड वेज वाइल कवरिंग द टॉर्सो, इंडिपेंडेंट वॉल्यूम ऑफ गारमेंट इज रिड्यूस्ड टू बॉडी टॉर्सो। टॉर्सो किसको बोलते हैं, तो गर्दन से कमर तक के पोर्शन को बोलते हैं। द बुद्ध इज सीटेड ऑन द लायन थ्रोन, भगवान बुद्ध जो यहाँ पे लायन थ्रोन पे बैठे हैं। द अटेंडेंट फिगर्स आर आइडेंटिफाइड एज मेड ऑफ पद्मपाणि एंड वज्रपाणि। तो अब पीछे जो दो फिगर है उनको पद्मपाणि और वज्रपाणि के रूप में पहचाना गया है, ठीक है, और पद्मपाणि जो एक हाथ में लोटस लेते हैं और वज्रपाणि जो है एक हाथ इसमें वंजर लेते हैं, ठीक है, वज्र लेते हैं, वज्र यानी थंडरबोल्ट। दे वियर क्राउन्स एंड आर ऑन आइदर साइड ऑफ बुद्ध, तो वो लोग क्राउन पहनते हैं मतलब मुकुट टाइप के पहनते हैं, और भगवान बुद्ध के एक एक साइड पे दोनों रहते हैं अलग अलग। द हेलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्ध इज वेरी लार्ज, तो हेलो किसको बोलते हैं, जो हेड के चारों तरफ ऐसे बनाया जाता है उसको हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेलो मिला है भगवान बुद्ध के पास से वो काफ़ी बड़ा है। डेकोरेटेड विद सिंपल ज्योमेट्रिक मोटिव्स, उस पर कई मोटिव्स बनाए गए, ज्योमेट्रिक मोटिव्स बनाए गए। देर आर टू फ्लाइंग फिगर्स प्लेस डायगोनली अबव द हेलो, दे बियर अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन पिक्चर स्पेस। तो उसके ऊपर दो फ्लाइंग फिगर भी बनाए जाते हैं हेलो के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी रिप्लेस द अर्लियर रिजिडिटी इन इमेज गिविंग द मोर अर्थी लुक। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल इमेज बनाए गए हैं, पहले काफ़ी रिजिड इमेज बनाए जाते थे। कर्व्स ऑफ द बॉडी आर डेलिकेटली कार्व, जो बॉडी का कर्व है वो काफ़ी अच्छे से कार्विंग किया गया। द अपराइट पोस्चर ऑफ बुद्ध इमेज क्रिएटेड मूवमेंट इन स्पेस। द फेस इज राउंड विथ फ्लेसी चीक्स, का जो फेस है वो राउंड है, चीक्स जो है फ्लेसी है। द बल्ज ऑफ द बेली इज स्कल्प्टेड विथ कंट्रोल्ड मस्कल्चर। तो कहा जा रहा है कि जो बेली मनी के पेट का जो बल्ज है ऐसे, वो भी काफ़ी क्लियर से यहाँ बनाया गया। इट मोर नोटेड एट द न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ऑफ कुषाण पीरियड इन मथुरा, बट द इमेज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बुद्ध इमेज इन द सबसिक्वेंट पीरियड। तो कहा जा रहा है कि मथुरा से कई इमेज मिला है कुषाण पीरियड के, ये जो इमेज था बस एक इंपॉर्टेंट इमेज में है जो हम लोग को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है बुद्ध हेड तक्षशिला। तो तक्षशिला में भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला इस तरीके से, इसको स्माइलिंग बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो मूर्ति मिला है ना इस मूर्ति को स्माइलिंग बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बाल यहाँ पे ऊपर की ओर ऐसे बांधा गया था है ना, इसके पीछे हेलो था, ये जो हेड के पीछे हेलो है जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और हेलो के पास दो यहाँ पे फ्लाइंग फिगर बनाया गया, मतलब उड़ता हुआ किसी चीज़ का मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। तो ये पद्मपाणि है, देखिए हाथ में लोटस लिए हुए ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे वज्र है ना, हाथ में एक तलवार टाइप का कुछ लिए हुए है। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग हेड जो यहाँ से तक्षशिला से जो हेड मिला है, सिर का मूर्ति मिला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं कि द हेड यहाँ इसको तीन पार्ट में बांटा गया इस तरीके से है ना। द बुद्ध हेड फ्रॉम तक्षशिला इन गंधार इज नाउ इन पाकिस्तान डेटेड बैक टू द सेकंड सेंचुरी। तो सेकंड सेंचुरी सीई का ये भी है, कुषाण पीरियड का भी है ये मान सकते हैं। द इमेज शो हाइब्रिडाइज पिक्टोरियल कन्वेंशन द डेवलप ड्यूरिंग द गंधार पीरियड। तो ये हाइब्रिडाइज पिक्टोरियल शो करता है, हाइब्रिडाइज मतलब कि दो तीन पीरियड का मिला करके बनाया गया है, कहने दो तीन डिफरेंट स्टाइल को मिला करके बनाया गया। इट हैज ग्रीको जर्मन एलिमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ अ स्कल्पचर, तो इसमें ग्रीको जर्मन एलिमेंट मिलता है। द बुद्ध हेड ऑफ दिस टिपिकल हेलिनिस्टिक एलिमेंट हैव ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द कर्ली हेयर ऑफ द बुद्ध इज थिक हैविंग अ कवर्ड लेयर ऑफ शार्प एंड लीनियर स्ट्रोक ओवर द हेड। तो कहा जा रहा है कि इसमें कर्ली हेयर दिखाया गया है भगवान बुद्ध का। द कर्ली हेयर ऑफ बुद्ध इज थिक हैविंग कवर्ड ऑफ शार्प एंड लीनियर स्ट्रोक ओवर द हेड। द फोरहेड प्लेन इज
लार्ज हैविंग प्रोट्रूडिंग आईबोज, तो कहा जाए जो फोरहेड प्लेन है, मतलब कि ये वाला जो है ना, मतलब कि ललाट वाला जो प्लेन है, इसमें बड़े बड़े आईबोल यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आउटलाइन जो किया है काफ़ी ज़्यादा शार्प किया गया है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटलाइन किया गया है, इमेज इसमें क्लियर है ही नहीं बुक में, इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे आँख का जो आउटलाइन किया गया है, ये जो आउटलाइन किया है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा वहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई सॉकेट काफ़ी गड्ढा बनाया गया है। द एक्सप्रेशन ऑफ कालमनेस इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कहा जा रहा है कि इस मूर्ति में जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मेन रीजन वो कालमनेस है। ठीक है, मतलब कि मूर्ति का जो एक तरह से देखने में जो ठंडा दिमाग का लग रहा है ना, उस टाइप का। मॉडलिंग ऑफ द फेस इनहेंसेज द नेचुरलिज्म थ्री डायमेंशनलिटी, और इसके मतलब कि इसका जो मॉडलिंग है, ठीक है, मूर्ति को इस तरीके से मॉडल किया गया जो एकदम देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। एसिमिलेटिंग वेरियस स्टेट ऑफ एकेमेनियन, पार्थियन एंड बैक्टीरियन ट्रेडिशन द लोकल ट्रेडिशन इन द हॉलमार्क ऑफ गंधारा स्टाइल, तो कहा जा रहा है गंधारा स्टाइल का लोकल ट्रेडिशन भी इसमें मिलता है, उसमें अलावा कई ट्रेडिशन का स्टाइल इसमें मिलता है। द गंधार इमेजर फिजियोगोमिक फीचर्स ऑफ द ग्रीको जर्मन ट्रेडिशन, सॉरी ग्रीको रोमन ट्रेडिशन, बट दे डिस्प्ले डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रीटिंग फिजियोगोमिक डिटेल्स, दे आर नॉट कम्प्लीटली ग्रीको जर्मन। तो कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे जो मूर्ति बनाने का जो फीचर है ग्रीको जर्मन से लिया गया, लेकिन कंप्लीटली ग्रीको जर्मन नहीं है। द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बुद्ध इमेज एज अदर है जेनेसिस इन द पेक्यूलियर कंडीशन इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टाइल, इट मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज नाउ पाकिस्तान ऑलवेज हैड कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे जो बसावट है, वहाँ पे जो सेटलमेंट है, काफ़ी पहले से वहाँ पे लोग काफ़ी पहले से रह रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम से रह रहे हैं। इट कंटिन्यूड इन द हिस्टोरिकल पीरियड एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ इमेज फाउंड इन द गंधार रीजन, दे कंसिस्ट ऑफ नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्ध, कहा जा रहा है गंधार रीजन में जो भी इमेज मिला पाए जाते हैं उसमें भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में जातक स्टोरी से दिखाया जाता है, बोधिसत्व का इमेज बनाया गया है। नेक्स्ट सारनाथ का सीटेड बुद्ध, तो भगवान बुद्ध का बैठा हुआ मूर्ति मिला है सारनाथ का। तो देखिए इसको हम लोग पीछे जैसे हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते थे, पद्मासन मुद्रा बोलते थे, जैसे ये वाला जो इमेज था है ना, हम लोग इसको बोलते थे पद्मासन मुद्रा बोलते थे, जैसे यहाँ पे था, इसमें क्या था क्रॉस फोल्डेड लेग था और एक हाथ जो था मतलब कि जो राइट हैंड था शोल्डर से हल्का ऊपर उठा हुआ था अभय मुद्रा में, और एक हाथ जो था थाई पे था, लेफ्ट थाई पे था। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भगवान बुद्ध का बैठा हुआ मूर्ति है, सारनाथ से मिला है, यहाँ भी क्रॉस लेग है, क्रॉस लेग यहाँ भी है, लेकिन हाथ का स्टाइल कुछ और है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा नीचे भी कई लोगों का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है, उसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि इसको क्या क्या इसमें शो किया गया है। तो द इमेज ऑफ बुद्ध फ्रॉम सारनाथ बिलोंग टू द लेट 5th century, तो और काफ़ी बाद का बना हुआ है, 5वीं शताब्दी का बना हुआ है, जो म्यूजियम में रखा गया है सारनाथ में। इट इज मेड इन चुनार सैंडस्टोन, तो चुनार का सैंडस्टोन से बनाया गया है। चुनार कहाँ है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, चुनार मतलब कि कौन से राज्य में भी पड़ता है। द बुद्ध इज शोन सीटेड ऑन द थ्रोन इन द पद्मासन, तो यहाँ भी पद्मासन में ही शो किया गया। इट रिप्रेजेंट धम्मचक्र परिवर्तन, तो धम्मचक्र परिवर्तन को शो किया है। कैन बी सीन फ्रॉम फिगर ऑन द थ्रोन, द पैनल बिलो द थ्रोन डिपिक्ट चक्र, तो कहा जा रहा है कि इस पैनल में नीचे जो पैनल है ना, गद्दी के नीचे जो है जो पैनल यहाँ पे मूर्ति था, 5-6 आदमी यहाँ पे जो थे, ए वाला जो पोर्शन था है ना, एक तरह से चक्र को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ, तो द पैनल बिलो द थ्रोन डिपिक्ट चक्र इन द सेंटर एंड डियर ऑन द आइदर साइड ऑफ हिज विथ हिज डिसाइपल, तो कहा जा रहा है कि बीच में चक्र है, जैसे यहाँ पे है ना, ये चक्र कम्प्लीटली बनाया नहीं गया है, लेकिन ये चक्र को ही शो किया जा रहा है। ठीक है, उसके अगल बगल उनके डिसाइपल को शो किया गया है यहाँ पे। दस इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ धम्मचक्र परिवर्तन और द प्रीचिंग ऑफ धम्म, तो कहा जा रहा है कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशनल हिस्टोरिकल इवेंट है धम्मचक्र परिवर्तन का। नेक्स्ट दिस बुद्ध इमेज इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, तो ये भगवान बुद्ध का जो इमेज है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर था, उसका एक फाइन एग्जाम्पल माना जाता है। द बॉडी इज सिलेंडर एंड वेल प्रोपोर्शनल बट स्लाइटली एलोंगेटेड, तो कहा जा रहा है कि हाँ जो बॉडी है एक अच्छे प्रोपोर्शन में बनाया गया है, लेकिन हल्का सा एलोंगेट यानी कि हल्का सा लंबा कर दिया गया है। द आउटलाइन आर डेलीकेट वेरी रिदमिक, जो आउटलाइन है काफ़ी रिदमिक है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। फोल्डेड लेग्स आर एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअल बैलेंस, फोल्डेड लेग बनाया गया है। ठीक है, ड्रेपरी क्लिंग टू द बॉडी एंड ट्रांसपेरेंट टू क्रिएट इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वॉल्यूम, तो कहा जा रहा है कि जो ड्रेपरी है कपड़ा है वो भी बनाया गया, लेकिन कपड़ा इतना क्लीन है, जैसे देखिए आप यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे लटकता हुआ दिख रहा है, इधर कपड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वही बताया कि जो ड्रेपरी इतना क्लीन यहाँ पे बनाया गया है, जो कम से कम मतलब कि जो बॉडी के एकदम उससे एक तरह से उसमें मिल गया है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम कपड़ा ट्रांसपेरेंट का वर्क यहाँ पे कर रहा है, बॉडी के वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। द फेस इज राउंड, द आईज आर हाफ क्लोज, तो कहा जा रहा है कि जो फेस यहाँ पे राउंड है, आँख जो आधा क्लोज है। द लोअर लिप इज प्रोट्रूडिंग एंड द राउंडनेस ऑफ चीक्स हैज रिड्यूस्ड कम्पेयर टू द अर्लियर इमेज ऑफ कुशान, तो कहा जा रहा है कि जो लोअर लिप है और जो राउंडनेस है फेस का कुशान पीरियड से थोड़ा सा कम गया है। द हैंड्स आर शोन इन धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, तो हैंड्स जो है इसमें धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिखाए गए हैं।
याद रखिएगा, इस तरीके का हाथ जहाँ पर रहता है इसको धमचक परिवर्तन मुद्रा बोलते हैं, और एक हाथ ऐसे ऊपर उठा रहता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं अभय मुद्रा। ये सब कई पोज हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो धमचक परिवर्तन मुद्रा जस्ट बिलो द चेस्ट, जो चेस्ट के नीचे है, नेक इज स्लाइटली एलोंगेटेड, गर्दन थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, विथ टू इनसाइड लाइंस इंडिकेटिंग फोल्ड्स, द उसानिस, उसानिस यानी कि बाल है ना, है सर्कुलर कर्ल्ड हेयर, तो यहाँ भी कर्ली हेयर है सर्कुलर वे में। द एम ऑफ स्कल्पचर इन एंशियंट इंडिया इज ऑलवेज इन द रिप्रेजेंट द बुद्ध एज ग्रेट ह्यूमन बींग हू अचीव्ड निर्वाण। तो कहा जा रहा है तो कि भगवान बुद्ध के मूर्ति बनाने के पीछे एक हर हमेशा एक ही मकसद रहता था कि इनको एक महान आदमी की तरह शो किया जाए, जो निर्वाण को अचीव कर लिया। निर्वाण क्या होता है? तो क्रोध और ईर्ष्या पे काबू पा लिया, ठीक है। निर्वाण अलग चीज़ है, निर्वाण अलग चीज़ है। द बैक ऑफ द थ्रोन इज प्रोफेशनली डेकोरेटेड विद डिफरेंट मोटिव्स ऑफ फ्लावर, तो जो थ्रोन का बैक है फ्लावर से यहाँ पे डिफरेंट तरीके से शो किया गया, क्रीपर दिखाया गया है ना। तो फ्लावर क्रीपर दिखाने का मतलब क्या था कि भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे आसपास, मतलब बहुत दिन तक तपस्या की, जिसके कारण से आसपास में फल फूल वगैरह, फूल का पौधा क्रीपर वगैरह उगाया है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ हेलो इज द प्लेन विदाउट एनी डेकोरेशन, जो हेलो का सेंट्रल पार्ट है उसमें कोई डेकोरेशन नहीं, इट मेक द हेलो विजुअली इंप्रेसिव, जिसके कारण से हेलो जो है, हेलो मतलब कि हेड के पीछे जो ऐसे गोल बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। डेकोरेशन इन हेलो एंड द बैक ऑफ थ्रोन इंडिकेट द आर्टिसन सेंसिविटी, सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ दिस पीरियड शो कंसिडरेबल सॉफ्टनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्फेस एंड वॉल्यूम। तो क्या सारनाथ का जो बुद्ध का इमेज है इस पीरियड का, एक हम लोग को काफ़ी शो करता है उस समय के सर्फेस कैसा, उस समय मूर्ति का सर्फेस कैसा होता था, वॉल्यूम कैसा होता था। ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी बिकम पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जो है फिजिकल बॉडी का पार्ट बन चुका है। सच रिफाइनमेंट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दस फीचर्स कंटिन्यू सबसिक्वेंट पीरियड। देर आर मेनी अदर बुद्ध इमेज स्टैंडिंग पोजिशन ऑफ सारनाथ हेमिंग फीचर भी ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी। तो क्या जरा और भी कई से बुद्ध इमेज मिले हैं सारनाथ से जो ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जिसमें है, ठीक है, मूवमेंट शो किया गया है, और भी कई तरह के स्तूप बने हैं, ठीक है। दीज इमेज आर नाउ प्रिजर्व इन सारनाथ म्यूजियम, जो भी यहाँ से इमेज मिले सारनाथ का एक म्यूजियम है वहाँ पे इसको रखा गया है। दे आर आइदर सिंगल और अटेंडेंट फिगर्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि। तो कहा जा रहा है कि या तो बुद्ध का अकेले यहाँ पर मूर्ति भगवान बुद्ध का, इसके अलावा वज्रपाणि और पद्मपाणि का भी मूर्ति कहीं कहीं आपको साथ में मिलता है। नेक्स्ट है पद्मपाणि बोधिसत्व केव नंबर वन, तो जैसे पद्मपाणि इसके हाथ में कमल होता है, ठीक है, तो इनके हाथ में कमल होता है, केव नंबर वन से मिले हैं, जनता के केव नंबर वन से मिले हैं। यदि और आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या है, मारा विजय अजंता केव नंबर 26, तो मारा विजय को यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द इंटीरियर ऑफ हॉल बिफोर द श्राइन एंड एंटी चैम्बर इन केव नंबर वन एट अजंता केव बैक टू द लेट फिफ्थ सेंचुरी सी। तो कहा जा रहा है कि अजंता जो बनाया गया वो भी फिफ्थ सेंचुरी सी में बनाया गया। द बोधिसत्व इज होल्डिंग अ पद्म, यहाँ पे जो बोधिसत्व है उनको एक हाथ में लोटस दिया गया है, हैज लार्ज शोल्डर एंड थ्री बेंट इन द बॉडी क्रिएटिंग मूवमेंट इन द पिक्चर स्पेस। तो कहा जा रहा है कि बॉडी में तीन बेंट है ना, मतलब कि तीन तरफ से झुका हुआ है, एक फेस अलग डायरेक्शन में है, कमर के ऊपर अलग डायरेक्शन में है, और द जो मतलब कि बॉडी मूवमेंट शो कर रहा है यहाँ पे। द मॉडलिंग इज सॉफ्ट, आउटलाइन आर मर्ज विद द बॉडी वॉल्यूम क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनलिटी। तो कहा जा रहा है कि आउटलाइन जो है ये बॉडी वॉल्यूम के साथ मर्ज किया गया है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाया गया है, जिससे थ्री डायमेंशन का इफेक्ट आता है, थ्री डी इफेक्ट आता है। द फिगर ऑफ बोधिसत्व इज वीरिंग अ बिग क्राउन इन विच डिटेल रेंडरिंग इज विजिबल, तो बोधिसत्व का जो फिगर है एक बड़ा क्राउन पहने हुए यहाँ पे, ठीक है। द हेड इज स्लाइटली बेंट टू द लेफ्ट, हेड जो है स्लाइटली बेंट है लेफ्ट की तरफ। द आईज आर हाफ क्लोज एंड स्लाइटली इलोंगेटेड, आँख जो है आधा बंद है और हल्का इलोंगेटेड ऐसे लंबा शो किया गया है। द नोज इज शार्प एंड अटैच्ड, नाक जो है काफ़ी शार्प है और सीधा है। लाइट कलर ऑल ओवर द प्रोजेक्टेड प्लेन्स ऑफ द फेस इज एम्ड एट क्रिएटिंग एन इफेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनलिटी। द बेडेड नेकलेस है टू है सिमिलर फीचर, तो जो नेकलेस है उसका भी अपना अलग फीचर है। द ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड शोल्डर्स हैव क्रिएट हैवीनेस इन द बॉडी, तो यहाँ पर जो शोल्डर शो किया है काफ़ी चौड़ा शो किया गया है, काफ़ी बड़ा शो किया गया है। द टॉर्सो इज रिलेटिवली राउंड, जो टॉर्सो है बाकी मूर्ति के मुकाबले थोड़ा सा राउंड है। लाइंस आर डेलिकेट रिदमिक एंड डिफाइन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द बॉडी। द राइट हैंड इज होल्डिंग अ लोटस एंड लेफ्ट हैंड इज एक्सटेंडेड इन द स्पेस, तो राइट हैंड जो है लोटस पकड़े हुए और लेफ्ट हैंड जो है स्पेस में है। द बोधिसत्व इज सराउंडेड अ स्मॉल फिगर, इसके चारों तरफ भी छोटे मोटे फिगर हैं। द फोर शॉर्ट हैंड राइट हैंड ऑफ बोधिसत्व मेक द इमेज वेयर सॉलिड एंड इफेक्टिवली डेंस। द थ्रेड ऑफ द टॉर्सो इज शोन विद द फाइन स्पाइरल लाइंस इंडिकेटिंग डायमेंशन, तो टॉर्सो के ऊपर जो कुछ धागा शो किया गया है ना जनेऊ की तरह, उसको काफ़ी क्लियरली यहाँ पे शो किया गया। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन इक्वल अटेंशन, कहा जा रहा है कि बॉडी का हर एक पार्ट को इक्वल अटेंशन दिया गया है यहाँ पे। लाइट रेड ब्राउन ग्रीन एंड ब्लू कलर आर यूज, तो यहाँ पे जो कलर यूज किया गया था लाइट रेड ब्राउन ग्रीन और ब्लू कलर यूज किया गया है। नोज प्रोजेक्शन इन साइड इंड ऑफ लिप्स विथ लोअर लिप प्रोजेक्शन एंड स्मॉल चिन कंट्रीब्यूट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सॉलिडिटी इन द फिगर कंपोजिशन,
तो नाक का प्रोजेक्शन, लिप्स का प्रोजेक्शन, और फिर जो गालों का प्रोजेक्शन है, चीन यानी कि जो दाढ़ी के पास का प्रोजेक्शन है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे और पिक्चर को और अच्छे सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है। द पेंटिंग इन केव नंबर वन आर गुड क्वालिटी एंड बेटर प्रिजर्व। तो केव नंबर वन का जो पेंटिंग है काफ़ी अच्छे प्रिजर्व किया गया। वन कैन ऑब्जर्व सर्टेन टाइपोलॉजिकल एंड स्टाइलिटिक वेरिएशन पेंटिंग ऑफ अजंता। ठीक है, आगे बढ़ते तो ऑन द अदर साइड ऑफ वज्रपानी बोधिसी तो हैज बीन पेंटेड। दूसरी तरफ वज्रपानी को भी पेंट किया गया। इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है ना। द ही होल्ड अ वज्र इन राइट हैंड वियर्स अ क्राउन। ये भी एक क्राउन पहनते हैं और एक हाथ में इनका वज्र होता है। वज्र यानी थंडर स्टॉर्म होता है। दिस इमेज कैन ऑल्सो बी द सेम पोलिटिकल पिक्टोरियल क्वालिटी जैसे पद्मपाणि। इसका जो पिक्टोरियल क्वालिटी है वो भी पद्मपाणि की तरह है। केव नंबर वन इज मैनी इंटरेस्टिंग पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट थीम्स जैसे महाजनक जातक कह रहा है। केव नंबर वन में और भी कई तरह के बुद्धिस्ट पेंटिंग है जैसे उमंग जातक, महाजनक जातक। द महाजनक जातक इज पेंटेड द इंटायर वॉल साइड इन द बिगेस्ट नैरेटिव पेंटिंग। तो जो महाजनक जातक है वो सबसे बड़ा पेंटिंग है यहाँ पे। इट में बी ऑब्जर्व डेट पेंटिंग ऑफ पद्म पानी एंड वज्र पानी एंड बोधिसत्व और पेंटेड एट श्राइन गार्जियंस। तो इनको जो है वहाँ का गार्जियन माना जाता है। ये तीनों पेंटिंग जो उसको मतलब कि उस केव का गार्जियन के रूप में माना जाता था। सिमिलर सच आइकॉनों के अरेंजमेंट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द केव अदर केव ऑफ अजंता। अजंता के दूसरे केव में भी इस तरीके का इमेज मिला। अब पढ़ते मारा विजय अजंता केव नंबर 26। ये भी अजंता केव का ही है। द थीम ऑफ मारा विजय पेंटेड इन द केव ऑफ अजंता। दिस इज ओनली स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर इन द राइट वॉल ऑफ केव नंबर 26। इट इज स्कल्पेड नियर द कोलोसल बुद्ध इमेज ऑफ महापरिनिर्वाण। तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मूर्ति बनाया गया, उसी के पास ये मूर्ति बनाया गया मारा विजय का। द पैनल शो द इमेज ऑफ बुद्ध इन द सेंटर सराउंडेड बाई मारा आर्मी अलॉन्ग विद द डाउटर। तो कहा जा रहा है कि इस पैनल में शो किया भगवान बुद्ध को बीच में और चारों तरफ से मारा की आर्मी है ना, जिसमें उसकी बेटी भी है। द इवेंट इज पार्ट ऑफ द इनलाइटमेंट। ये इनलाइटमेंट का पार्ट है, मतलब जिस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल रहा था उसी समय का इवेंट दिखाया गया है। इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द इमोशन ऑफ माइंड विच द बुद्ध इवेंट थ्रू एट द टाइम ऑफ इनलाइटमेंट। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की इनलाइटमेंट के समय, मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रहा था, तब उसमें दिमाग में क्या क्या चल रहा था है ना, उसको इसमें शो किया गया। मारा रिप्रेजेंट डिजायर। तो मारा का मतलब होता है डिजायर, इच्छा है ना। मारा को यहाँ पे लेडीज या फिर किसी राजा का नाम नहीं है। मारा का मतलब होता है इच्छा। अकॉर्डिंग टू नैरेटिव देयर इज अ डायलॉग बिटवीन बुद्ध एंड मारा। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पिक्चर में शो किया जाता है उसके हिसाब से कहा जाता है कि भगवान बुद्ध और मारा के बीच में एक डायलॉग हुआ था, एक बातचीत हुआ था। एंड बुद्ध इज शोन विथ राइट हैंड इंडिकेटिंग टुवर्ड अर्थ एज विटनेस टू इट्स जेनरोसिटी। तो कहा जा रहा है और वहाँ पे मारा इमेज में यहाँ पे जो भगवान बुद्ध का दाहिना हाथ जो है नीचे की ओर दिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दाहिना हाथ नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, यहाँ जो है ना दाहिना हाथ नीचे की ओर दिखाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि हम लोग के मतलब वो दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ था, बातचीत हुआ था, धरती उसकी गवाह है ना। दिस रिलीफ स्कल्पचर पैनल इज हाईली एनिमेटेड एंड शो अ वेरी मैच्योर स्कल्पचर स्टाइल। तो यहाँ पे जो भी स्कल्पचर बनाए काफ़ी मैच्योर स्टाइल में बनाए गए हैं। द कम्पोजिशन वेरी कॉम्प्लेक्स है ना, जो बनाने का कम्पोजिशन था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। देयर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इन पिक्चर स्पेस इज हाईली डायनेमिक एंड जनरेट कंसिडरेबल मूवमेंट। द पिक्चर ऑन द राइट शो मारा कमिंग विथ हिज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम विथ एनिमल फेसेज। तो द डांसिंग फिगर एट लोअर बेस विथ अ म्यूजिशियन है फॉरवर्ड बल्किंग वेस्ट एंड वन ऑफ द डांसिंग फिगर एक्सपेंडेड ऑन हर एंड डांसिंग पोस्टर विथ एंगुलर फ्रंटल लुक। तो कहा जा रहा है कि नीचे में और भी इमेज बनाए गए जिसमें कई डांसिंग फिगर हैं। ठीक है, ऑन द लेफ्ट लोअर इंड द इमेज ऑफ मारा इज ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ टू डिस्टर्ब सिद्धार्थ। तो कहा जा रहा है उसी तरह से लेफ्ट तरफ में देखा जाए नीचे में तो मारा का इमेज शो किया है कि इस तरीके सिद्धार्थ को मतलब कि डिस्टर्ब करना चाहती है ताकि बुद्ध जो इनलाइटमेंट न प्राप्त कर सके। द आर्मी ऑफ मारा इज शोइंग मार्चिंग टुवर्ड बुद्ध इन द फर्स्ट हाफ द पैनल वेयर द लोअर हाफ द पैनल शो द डिपार्टिंग आर्मी ऑफ मारा गिविंग एडोरेशन। तो कहा जा रहा है कि पैनल में ही शो किया गया, ऊपर में दिखाया जा रहा है कि मारा की आर्मी आ रही है, बाद में दिखाया है कि मारा की आर्मी जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रली प्लेस्ड बुद्ध पद्मासन एंड ट्री एट बैक इज शोन बाई डेंस लीफ। तो कहा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध का मूर्ति अभी पद्मासन है, पद्मासन मतलब क्रॉस लेग सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो पीछे में दिखाया गया पेड़ दिखाया गया उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंस लीव है। डेंस लीव मतलब उसमें पत्ता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लीव्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उस पेड़ पे। सम ऑफ द फेशियल फीचर ऑफ मारा आर्मी है टैक्टिक कोरमेंट ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम विदर्भ। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मारा आर्मी का जो कुछ फेशियल रिप्रेजेंटेशन जो है विदर्भ के इमेज से मिलता है। द आर्टिसन एज अजंता वर्क इन गिल्स एंड देयर स्टाइलिक एफिलिएशन कैन बी ट्रेस्ड आइडेंटिफाइंग सच स्टाइलिस्टिक पिक्चर। तो कहा जा रहा है इसी से पता चलता है कि यहाँ पे जो स्कल्पचर बनाने में जो आर्टिस्ट वर्क करते थे एक गिल्ड में होते थे, गिल्ड मतलब ग्रुप में होते थे। तो जैसे यहाँ पे जो विदर्भ से इमेज मतलब कि विदर्भ का इमेज से मिल रहा है, इसे क्या पता चलता है कि इसको बनाने वाले आर्टिस्ट उसी रीजन से आए होंगे और इसको बनाने में जितने आर्टिस्ट लगे होंगे सब विदर्भ के रीजन से आए होंगे। ठीक है, तो ये था आज के इस चैप्टर में। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।